जंगल राज तो इसके पहले था, हम लोगों ने कहा था कि महाजंगल राज है और इनको ईर्ष्या है आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो कि तेज तरार आदमी है उनसे काफी ईर्ष्या और बीजेपी घबरा गई है कि शेर का बच्चा शेर ही होता है, ये आ गया है, इसलिए बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम समाजवादी झुकने वाले नहीं हैं और झुक कर राजनीति नहीं करते हैं, और समाजवादी जब देश में अंगराई लेता है तो ये अलगाववादी जो ये विजात पार्टियां हैं ये मुंह बाकर खड़ी होती है, कहीं कुछ होने वाला नहीं बनी है जो नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही राजद की परेशानियां जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर बात करें विपक्ष की तो विपक्ष के तरफ से आरोप लगाया गया है कि आधे से अधिक मंत्री दागी हैं, ऐसे में बिहार का विकास क्या हो सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र, कैसे देख रहे हैं बीजेपी जो आरोप लगाया है। देखिए, उनके पास कोई काम नहीं है, वो बेरोजगार हो गए हैं, और जब सरकार में थे, केंद्र में उनकी सरकार है, उनके यहाँ कौन दागी है नहीं दागी है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे यहाँ कोई दागी मंत्री नहीं है। और ये बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत रही है, इनके फितरत में है बीजेपी का कि किसी को बदनाम करना, हाँ मैंने हल्ला बोल करना, तो उनसे ज़्यादा हल्ला बोल करने वाले हम लोग हैं। इसलिए मैं कहूँगा उनके जो बयान करता हैं वो सोच समझ कर बयान देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, देश और बिहार के हित की एक बात करें। वो बेरोजगारों को रोड पर घुमा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, उसकी चर्चा करनी चाहिए और मोदी जी से मांग करना चाहिए कि भाई देश में महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, रोजगार के दिशा में वो कोई कार्य करें। इसलिए मैं उन्हें सलाह दूंगा, जो भी आरोप लगाने वाले लोग हैं उनको यही सलाह देंगे कि अपने भीतर झांकिए आप क्या हैं, उसके बाद दूसरे पर आरोप लगाइएगा तो लोग सुनेगा, पब्लिक है सब जानती है। एक और सवाल है कि बिहार में एक्सप्रेसवे बन रहा था उसको अब जो है फिलहाल के लिए स्टॉप लगा दिया गया है क्योंकि पैसे नहीं है, केंद्र सरकार की तरफ से भी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, क्या लगता है कि इसी तरह से बिहार में आगे की। देखिए, केंद्र सरकार पैसा जब जब यहाँ विपक्ष की सरकार बनी है तब तब केंद्र जो है सौतेला व्यवहार किया ही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आज से नहीं मामला उठ रहा है, स्पेशल पैकेज का भी मामला उठा है, लेकिन न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला और न स्पेशल पैकेज मिला, नहीं मिलेगा। बिहार अपने संसाधनों से बिहार का विकास करेगी और तरक्की के रास्ते पर बिहार को हमारे नेता तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी जो है बिहार के विकास के रास्ते को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक और सवाल है कि एक एक मंत्री पर कई ऐसे विभाग जो हैं वो दिए गए हैं, क्या लगता है भाई वीरेंद्र जी कि और भी कोई नेता काबिल नहीं है महागठबंधन में। नहीं, ऐसा पहले भी होता रहा है, ऐसा नहीं है। मंत्रियों की संख्या जो अनुपात है 242 का, 242 में 15% में मंत्री बनते हैं, विभाग तो बहुत है, इसलिए अभी मंत्री कुछ कम बने हैं, 2-3 और बनना तय है और उसके बाद 3 और कम होंगे, काफ़ी विभाग है, इसलिए बहुत विभाग रहने के बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार होने पर भी बहुत मंत्री नहीं बनाया जा सकता है, संख्या बल पर ही मंत्रियों की संख्या बढ़ती। लेकिन अगर एक एक आदमी के पास में इतने सारे विभाग होंगे तो काम कैसे होगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा बजट तो उन्हीं के पास है। मैं बताता हूँ कि बीजेपी वाले पहले कैसे काम किया करते थे, उनके पास भी तो कई विभाग हुआ करते थे और उसी तरह इस बार भी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, वैसे ही विभाग मिला है, इसलिए काम धाम में कहीं कोई कमी नहीं होगी। लोग बहुत पहले से तय कर चुके थे, उसमें उनको खोट लगा है, झटका लगा है कि भाई हमारा इतना पैसा चला गया, हम रहते तो ये करते वो करते, हुआ कुछ नहीं, ये सब केवल भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, अब भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। इन लोगों को डर है कि कहीं हम भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। एक और सवाल है, बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में तेज प्रताप यादव ने
तो परिवारवाद की पार्टी को कैसे आप देखते हैं? परिवार ये कि परिवारवाद पार्टी है, बिहार का इसमें भला नहीं आप, हो सकता है। आप ये देखिए कि देश में जो सरकारें हैं, जिसकी सरकार है, क्या उसका बेटा एमपी नहीं है, उसका बेटा एमएलए नहीं है? जो राजनीति करेगा, सेवा भावना से राजनीति में आएगा, उसका बेटा बेटी कोई भी राजनीति में आ सकता है। राजा का बेटा राजा होगा तो विधायक का बेटा विधायक नहीं बन सकता है, जज का बेटा जज हो सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर पढ़ लिख कर बन रहा है, तो उसको कहिएगा कि परिवारवाद है? तो ये सो उचित बात नहीं है। इन लोगों की पुरानी आदत रही है आरोप लगाने का, और जलन है आदरणीय लालू प्रसाद यादव उनके परिवार से जलन है इन लोगों को कि ये लोग तेज तरार हैं और बिहार को संभालने के योग्य हैं। आरसीपीसी ने कह दिया है कि आगे चल करके जदू का विलय जो है आरजेडी में हो जाएगा, आप मानते हैं? ये समय की पुकार है, अब कब क्या होगा नहीं जानता, ये तो जदयू बताएंगे। और लेकिन आरसीपी जैसे आरसीपी सिंह जैसे लोगों का इसी तरह बोलने की आदत है, और मैंने जो आरोप लगाया था आरसीपी टैक्स वो साबित हो गया, और मैं जो भी कुछ कहा हूँ वो सब साबित होता चला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे थे मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र राजद के। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।